से जो इसकी सीसी है 220 उसके मुकाबले इसका एवरेज तो बहुत ही कम मिलने वाला है, तो देखते हैं क्या एवरेज। तो दोस्तों ये इसका कार्बोरेटर, जो इसकी मेन फ्यूल लाइन है उसको हमने निकाल दिया है और जो हमारा किट है उससे हम इसकी फ्यूल लाइन कनेक्ट कर देते हैं। तो कार्बोरेटर से फ्यूल लाइन कनेक्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें 100 ml फ्यूल हमने डाल दिया है। अब देखते हैं 100 ml फ्यूल में कितने किलोमीटर चलती है। फ्यूल लाइन को कर देते हैं ऑन और ये आपको ऑफ रखना है नहीं तो आपका फ्यूल निकल जाएगा। तो दोस्तों आप करते हैं इसका माइलेज टेस्ट स्टार्ट और देखते हैं 100 ml में कितने किलोमीटर चलती है और जितने किलोमीटर चलेगी उससे 10 से इंटू कर देंगे तो हमें 1 लीटर का परफेक्ट जो माइलेज है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ट्रिप फैक्टर को कर दिया हमने 0, अब देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है एवेंजर। किलोमीटर फास्ट फ्यूल है जो यहाँ पर इसका बता रहा है कि अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चल चुकी है 2.7 किलोमीटर, यानी ये चलेगी 1 लीटर में सिर्फ 27 किलोमीटर। चलो मैं हेलमेट हटा ही देता हूँ ताकि आपकी आवाज जो है क्लियर आए मेरी। तो दोस्तों एवेंजर का एवरेज तो आप भूल ही जाओ तो बढ़िया है, ये एवरेज के मामले में कोई काम की बाइक नहीं है। इससे अच्छा था बुलेट ले लो, वो इसके बराबर दे देगी। नए बुलेट लोगों को, ये 2012 का मॉडल है, BS3 मॉडल है और पूरा मटका चुका हुआ है ऐसा मॉडल सच में, क्योंकि आप इसकी गली से देख सकते हो इतना हाल बुरा है। तो आप सोचो कि मैंने इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया। तो इसके माइलेज टेस्ट करने की जरूरत तब आप बड़ी ऑनर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हाँ यार भैया मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एवेंजर है जो कितना माइलेज देती है, इसलिए आप एक बार चेक करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैंने कहा चलो इसका भी माइलेज टेस्ट कर ही देते हैं और साथ में आप जो व्यूवर्स हैं उसको भी पता चल जाएगा कि एवेंजर कितना माइलेज देती है। तो ये था एवेंजर का माइलेज टेस्ट, कैसा लगा ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और अगर अभी तक इस वीडियो मतलब इस हेलमेट का रिव्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो,